वाकई भाई दिल्ली वालों के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है मेरे मित्रों। जैसा कि दिल्ली में ये वैकेंसी निकली है कालिंदी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। अब हम आपको बताएंगे इस नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी, डिग्री, डिप्लोमा, ट्वेल्थ, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंट डेट रहने वाली है। आइए हम चलते हैं इसकी फुल नोटिफिकेशन की ओर, देखते हैं इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है और किस हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना है, कब तक इसकी डेट रहेगी, देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें 26 दिसंबर 2022 से आपके फॉर्म फिलअप चालू होंगे मेरे मित्रों, और साथ ही साथ इसका पे स्केल जैसे कि दिखा रहे हैं ये 57,700 से लेकर 182,400 तक रहने वाला है। अब मित्र अपन देखते हैं किस में कितनी वैकेंसी रहने वाली है। बॉटनी में 9, केमिस्ट्री में 11, कॉमर्स में 4, कंप्यूटर साइंस में 10, इकोनॉमिक्स में 11, इंग्लिश में 14, जर्नलिस्ट में 8, एनवायरनमेंट में 3, ज्योग्राफी में 13, हिंदी में 12, हिस्टोरी में 9, मैथमेटिक्स में 11, म्यूजिक में देख लें तो 1, फिजिक्स में 7, पॉलिटिकल साइंस में 6, संस्कृत में 6, जियोलॉजी में 7 रहने वाली हैं। अब मेरे मित्र देखते हैं कुछ और जानकारी जो इससे रिलेटेड रहने वाली है। जैसा कि मेरे मित्र देख सकते हैं इसमें क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, मास्टर डिग्री 55% से आपकी होना चाहिए, जो भी स्पेसिफिक पोस्ट के हिसाब से आपकी डिग्री मांगी गई है आपको उसी हिसाब से उस डिग्री के लिए अपने डॉक्यूमेंट लगाना है और देखना है कि हम किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब देखते हैं मेरे मित्र कुछ और बेसिक जानकारी जो आपके लिए महत्वपूर्ण तथा आपको फॉर्म फिलअप करने में परेशानी से बचाएगा। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसकी फीस 500 रुपये रहने वाली है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यू कैटेगरी के लिए। अब देखते हैं मेरे मित्रों कैसे भरना पड़ेगा फीस। फीस आपको मेरे मित्र ऑनलाइन मिलती होगी, साथ ही साथ आपको उनकी साइट पे जाके फॉर्म को फिलअप करना है। और देख लेते हैं मेरे मित्र इसमें क्या क्या जानकारी। वैसे दिल्ली वालों के लिए यह वैकेंसी तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ही रहने वाली है। अब हम देखते हैं इसमें एकेडमिक रिकॉर्ड जैसा कि इसमें दिया है आप इसको देख लें, क्योंकि ये रिकॉर्ड कुछ अलग टाइप का है, वो आपसे ही रिलेटेड है। अब भाई देख लेते हैं क्या मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं। जैसा कि MPHI के लिए 25 मार्क्स मैक्सिमम, GRF के लिए 10 मार्क्स, इन अवॉर्डेड कैटेगरी के लिए 3 मार्क्स, ऐसे करके 100 मार्क्स का मेरे मित्रों रहने वाला है ये। आइए कुछ और जानकारी देखते हैं मेरे मित्रों। यही जानकारी, इसकी संपूर्ण जानकारी है, और आपको अगर मेरी जानकारी समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।